गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एंड टुडे आई विल स्टार्ट फ्रेज। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि फ्रेज क्या होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर डेफिनेशन देख रहे हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स सेंस बट नॉट कम्प्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। मतलब शब्दों का वह समूह जो सेंस तो दे पर कम्प्लीट सेंस ना दे, जिसका कम्प्लीट मीनिंग ना निकले। एग्जाम्पल, अंडर द ट्री, एट द डोर, रियली फास्ट, कांट गो, अंडर द ट्री, ट्री के नीचे, या कम्प्लीट मीनिंग यहाँ नहीं दे रहा है। एट द डोर, दरवाजे पर, बहुत तेज, क्या, कांट गो। जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स कम्प्लीट मीनिंग ना दे तब वह फ्रेज कहलाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बहुत जानना बहुत ही जरूरी है। तो जो पहला पॉइंट हुआ है, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। मतलब फ्रेज वह ग्रुप ऑफ वर्ड है जो बिना सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बिनेशन के दिखाई देता है। जब कभी भी फ्रेज होगा वहाँ सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ दिखाई नहीं देंगे, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ दिखाई नहीं देंगे। दूसरा पॉइंट जो है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ दिखाई देते हैं तब वह क्या बन जाता है, तब वह एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है और फ्रेज कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। इस वजह से अ फ्रेज कैन नॉट बी अ कंप्लीट सेंटेंस बिकॉज इट डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग। जैसा कि मैंने पहले बोला कि जो फ्रेज होता है वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वह कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। तो क्वेश्चन अब ये उठता है कि फ्रेज का काम क्या होता है, फ्रेज करता क्या है? तो सिंपल मीनिंग में अगर मैं आपको समझाऊं तो फ्रेज सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, हमारी सेंटेंस की शोभा को बढ़ाता है। दैट्स इट। द पर्पस ऑफ फ्रेज इज टू कॉम्प्लीमेंट द ओवरऑल स्ट्रक्चर इन द सेंटेंस। मतलब इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ यह सेंटेंस के साथ जुड़कर इसकी शोभा को बढ़ाता है। जैसे सी इज सिटिंग अंडर द ट्री, मतलब वह पेड़ के नीचे बैठी हुई है। वह बैठी हुई है कहाँ? पेड़ के नीचे। तो वह क्या कर रहा है, इस सेंटेंस की शोभा को बढ़ा रहा है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब की से उगता है, ठीक है, द सन राइजेज। तो यहाँ इन द ईस्ट क्या है, ये इसकी शोभा को बढ़ा रहा है। That's all for today. Thank you. Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. And today I will start the chapter clouds. Clouds क्या होता है? तो जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं, clouds की definition दी हुई है। A cloud is a group of word which gives complete meaning and also has a subject verb combination. Clouds शब्दों का वह समूह होता है जो complete meaning के साथ इसके पास subject verb combination भी होते हैं। जैसे she is hungry. I am feeling well. तो she is hungry में पूरा हम लोगों को मीनिंग पता चल रहा है कि वह भूखी है। और सी क्या है, यहाँ पर सी जो है सब्जेक्ट है और इज वर्ब के रूप में आया हुआ है, तो इसे हम वन क्लाउज भी बोल सकते हैं। आई एम फीलिंग वेल, सेंटेंस का पूरा मीनिंग हम लोगों को समझ में आ रहा है। जो वर्ड्स हैं, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, पूरी कंप्लीट मीनिंग हम लोगों को दे रहा है और इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन दोनों है। जैसे आई एम, तो आई जो है सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो हम इसे क्लाउज भी बोल सकते हैं। तो देखते हैं नोट में क्या लिखा हुआ है। नोट में लिखा हुआ है, अ सिंपल सेंटेंस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वन क्लाउज। एक सिंपल सेंटेंस अगर है तो इसे हम वन क्लाउज भी बोल सकते हैं। सम सेंटेंस में है मोर देन वन क्लाउज, कुछ सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लाउज भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया हुआ है, आई वेटेड फॉर हर बट सी डिडंट कम। तो इसमें एक से ज्यादा क्लाउज दिए हुए हैं और यहाँ पर जो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन एक से ज्यादा है। जैसे आई वेटेड, तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, पहला सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है आई वेटेड एंड सी डिडंट कम, सी डिडंट कम दूसरा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर दो क्लाउज हुए। जैसे सोनाली लाइक्स मी बट आई लाइक तनु बिकॉज आई वॉन्ट टू मैरी हर। सोनाली लाइक्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर सोनाली लाइक्स है, आई लाइक है, आई वॉन्ट टू वॉन्ट है। तो यहाँ पर तीन क्लाउज हुए। कितने क्लाउज हुए यहाँ पे? तीन क्लाउज हुए। तो टाइप्स ऑफ क्लाउज, अब हम जानते हैं कि क्लाउज के कितने टाइप्स होते हैं। तो क्लाउज के बेसिकली टू टाइप्स होते हैं। तो पहला जो टाइप्स होता है वह है इंडिपेंडेंट क्लाउज और दूसरा है डिपेंडेंट क्लाउज। इंडिपेंडेंट क्लाउज आइए देखते हैं, इंडिपेंडेंट क्लाउज किसे कहते हैं। एंड इंडिपेंडेंट क्लाउज इज सेम एज कंप्लीट सेंटेंस एंड कैन स्टैंड अलोन। जो इंडिपेंडेंट क्लाउज जो होता है वह कंप्लीट सेंटेंस के जैसे ही होते हैं और अकेले आ सकते हैं। जैसे ही एट डिनर, जैसे कि उसने डिनर किया, तो इसमें कंप्लीट मीनिंग भी आ रही है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी है, तो यह इंडिपेंडेंट क्लाउज कहलाएगा। आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रहा था। तो सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहा है और जो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर साथ देखने को मिल रही है, तो हम इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज की कैटेगरी में रखेंगे। सेकेंड जो टाइप है क्लॉज का वह है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं, तो चलिए देखते हैं हम अपने डिफिनेशन को। डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन। इट हैज अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन बट इट कुड नॉट बी अ सेंटेंस बाय इटसेल्फ। इट नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू मेक द सेंटेंस। मतलब जो डिपेंडेंट क्लॉज अकेले कभी नहीं आ सकते। इट हैज अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इसके पास सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता तो है पर यह
खुद एक सेंटेंस नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज इसे ज़रूरत होती है। क्यों? सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। मेरा कहने का मतलब है डिपेंडेंट क्लॉज कभी कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन तो होता है डिपेंडेंट क्लॉज के पास। डिपेंडेंट क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होती तो है, लेकिन ये कभी अकेले नहीं आ सकते हैं। अगर आएंगे तो इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ही आएंगे, तभी पूरी मीनिंग सेंटेंस की निकलेगी। जैसे व्हेन राहुल गॉट होम, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है? व्हेन राहुल गॉट होम, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन तो है पर यहाँ पर सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं पता चल रहा है। तो जो डिपेंडेंट क्लॉज होंगे वो हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज उसको डिपेंडेंट क्लॉज को जरूरत पड़ेगी। जैसे व्हेन राहुल गॉट होम, तो ये क्या हुआ? ये डिपेंडेंट क्लॉज हुआ, ही एट डिनर, सब्जेक्ट और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ही एट डिनर इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ही आता है। अगर नहीं आएगा तो वह डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा। नोट में क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज ऑफन बिगिंस विद वर्ड्स सच एज व्हेन, व्हाइल, इफ, अनलेस, although, as soon as long as, because, since, etc. मतलब dependent clause हमेशा इस words के इन सारे शब्दों के साथ ही शुरू होते हैं, जैसे when, while, if, unless, although, as soon as long as, because, since, etc. While he was playing, मतलब while he was playing, ये क्या हुआ? ये dependent clause हुआ। और यहाँ पर कुछ मीनिंग कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि यह हमेशा हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ आने के बाद ही कंप्लीट मीनिंग देता है। इफ़ यू कम हियर, ये क्या हुआ? ये अगर तुम यहाँ आते हो, यहाँ पर कुछ प्रॉपर कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रही है, तो यह क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ही आकर सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देता है। होप गाइज यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज शेयर, सब्सक्राइब। That's all for today. Thank you very much.